तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 20 91 से 92 और 95 तक। नबूकदनेज़र ने कहा, हे शद्रक मेशक और अबदनगो, क्या ये बात सच है कि तुम लोग ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और ना मेरे संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही वंची सितार सारंगी वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज़ सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक मेशक और अबदनगो ने राजा नबूकदनेज़र को ये उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में सामर्थ्य है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, ये जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। ये सुनकर नबूकदनेज़र शद्रक मेशक और अबदनगो पर बहुत क्रोध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक मेशक और अबदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी में डाल दें। राजा नबूकदनेज़र बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर कुशल आग में टहलते देख रहा हूँ। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेज़र बोल उठा, धन्य है शद्रक मेशक और अबदनगो का ईश्वर। उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा अथवा आराधना नहीं करना चाहते थे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर तू धन्य है, तेरा महिमा में पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमा में मंदिर में धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है, तू धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे।
जय घोष। धन्य है वह जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से 42। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्यों कहते हैं तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया है। ये इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है, तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।